नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियोस में दोस्तों आपसे बात करेंगे आप पेंडिंग आयुष्मान कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्रोवल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपका एक महीने से पेंडिंग आयुष्मान कार्ड आ रहा है या फिर आपने अभी एक वीक पहले बनाया आपका कार्ड अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड में अपने कार्ड को आप अप्रोवल कर पाओगे घर बैठे में दो तरीके बताने वाले हैं जैसे आपका पेंडिंग आयुष्मान कार्ड आप अप्रूवल ऑनलाइन ही कर पाओगे तो वीडियो को फुल देखना चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा इस पोर्टल पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो किसी गूगल को ओपन करोगे सर्च करोगे पी एम जे वाई डॉट जो वी डॉट इन आप इस पेज पर आ जाओगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आप मिलेगा देखिए मेनू का यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन एक यहाँ पर मिल जाएगा देखिए इधर आओगे देखिए पोर्टल्स का इसमें आना है और यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आप मिलेगा देखिए दोस्तों आइडेंटिटी सिस्टम भी आई इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा अब क्लिक करने के बाद पे जिस तरीके से खुलेगा यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आप मिलेगा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड इस पर क्लिक करना पड़ेगा अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको आधार वाले सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीम पर क्लिक करना पड़ेगा अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले पी एम जे का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ऐसे यहाँ पर आपको अपनी स्टेट का नाम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो से भी स्टेट है स्टेट का नाम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है और यहाँ पर टर्मिनेट कंड तो को एक्सेप्ट करना है और जनरेट ओ टी पे क्लिक करना है उसके दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओ टी पी आगेगा ओ टी पी यहाँ पे देना है वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा उसके दोस्तों यहाँ से आपका दिखा दिएगा कि आपका आयुष्मान कार्ड पेंडिंग है और अप्रोवल हो गया होगा तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो होगा यहाँ पर पेंडिंग आपका आ रहा है अब अप्रूवल कैसे होगा वो देखिए गोर से यहाँ से एक पेज आपको वापस करना है वापस करने के बाद देखिए इसको तो यहाँ पर होम पेज में आने के बाद आप मिलेगा देखिए मेनू का फिर से यहाँ पे थ्री रोड पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको फिर से नीचे के लिए क्लियकॉल करना है यहाँ पर आपको पोर्टल्स का ऑप्शन मिलेगा और नीचे यहाँ आप पर आपको दोस्तों एक का ऑप्शन मिलेगा देखिए कि नीचे स्कॉल करके ग्रीवेंस पोर्टल का यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आप क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नये इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने दोस्तों इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिडेंस और ग्रीवेंस का यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर वो पैसा सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर आपको पी एम जे का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और रजिस्टर्ड का जो बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों बेनिफिशरी का ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक रहें देना है अब यहाँ आप लोगों कॉस्ट टाइप यहाँ पर आपको कंप्लेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यू आर अंडर पी एम जे वाई इस पर यहाँ पर आपको ऐसा नो का जवाब देना पड़ेगा नीचे यहाँ आप लोगों को कैसे रिलेटेड यहाँ पर भी नो का जवाब देना पड़ेगा अब नीचे यहाँ आप पर आपको दोस्तों बेनिफिशी डिटेल्स में आपको अपना नाम देना है जो भी आयुष्मान कार्ड में डाले थे आधार कार्ड पर नाम है यहाँ पर आपको मेल फीमेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा नीचे यहाँ आप पर आपको ईयर ऑफ बर्थ यानी कितनी आपकी एज है देनी पड़ेगी उसके बाद यहाँ पे नीचे स्कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम को देना पड़ेगा जिनसे भी आपकी स्टेट है स्टेट का नाम को देने के बाद नीचे यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम को देना पड़ेगा और नीचे यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हो नहीं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो यहाँ पर आपको ग्रीवेंस डिटेल्स में आना है और नीचे यहाँ आप पर आपको ग्रीवेंस एजेंट इस पर क्लिक करना है कई सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आप मिलेगा देखिए अदर का भी इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने आप यहाँ पर ग्रीवेंस एजेंट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आयुष्मान तो कार्ड पेंडिंग फॉर रिक्वेस्ट पे इतना आपको लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर हमको अपना स्टेट नेम देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा यहाँ पर नेचुरल एंड ग्रीवेंस यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आयुष्मान कार्ड पेंडिंग फॉर अप्रूवल रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कृपया मेरा आयुष्मान कार्ड पेंडिंग आ रहा है अप्रूव किया जाए आपकी बहुत महान कृपा होगी और यहाँ पर एक पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो जो तीन हज़ार वर्ड में लिख सकते हो मतलब एक अप्लीकेशन लिखना है उसमें आपको अपना आधार नंबर नाम वगैरह सारा लिखना पड़ेगा इसी पेंडिंग के बारे में जो आप इजीली लिख सकते हो हिंदी में इंग्लिश में किसी में भी अब नीचे यहाँ पर आपको देखिए मजे की बात यहाँ पर ए, है सबसे पहले अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा और नीचे यहाँ पर आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी जो ऑडियो वीडियो दोनों अपलोड कर सकते हो उसमें आपको बोलना पड़ेगा आइडियो वीडियो में जो भी आपका आयुष्मान कार्ड पेंडिंग है उसके बारे में बोलना पड़ेगा आपको और यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर आपको आई एम इस पर मतलब टिक मार्क लगाना पड़ेगा और सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद आपकी शिकायत सबमिट हो जाएगी और जो भी टीम है पी एम जे वाई की वहाँ पर आपकी शिकायत पहुँचेगी आपकी डिटेल चेकअप होगा अगर ना आपने आयुष्मान कार्ड को सही तरीके से अप्लाई किया होगा आपकी डिटेल एक दूसरे से आधार कार्ड से राशन कार्ड से मैच होती होगी तो आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूवल हो जाएगा जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों तो इस तरीके से अपने कार्ड को अप्रूवल करवाना है दोस्तों दूसरा तरीका ये कि आपको अगर चाहें तो आप एक टोल फ्री नंबर आता है चौदह पाँच सौ पचपन ये टोल फ्री नंबर है आयुषमान का इस पर आप कॉल करके शिकायत सबमिट कर सकते हो जी दोस्तों यहाँ पर भी इस पर भी शिकायत ईजीली सबमिट हो जाएगी और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप ये टोल फ्री नंबर से बातचीत कर सकते हो दोस्तों तो जो भी अप्रूव करने का सही तरीका था घर बैठे वो मैंने बता दिया है वैसे तरीका काम कर जाता है अगर यहाँ पर यह तरीका आपको काम नहीं करता तो फिर आपको देखिए जो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है जनरल आरोग्य योजना का जो ऑफिस है फिर वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा वैसे आप ट्राई कर सकते हो अगर काम हो जाता है तो इसके लिए थैंक यू चलिए फिर, फिर मिलते हैं नई वीडियो जब थैंक यू सो मच